उनका अंतर व्यापार बाह्य व्यापार आदि से कुछ अलग ही है। धर्म और सत्य की शोध का अंतर व्यापार मन में रहता ही है। ज्ञान के व्यापार के अभिलाषी कांजी का मन धन के व्यापार में नहीं लगा तो नहीं लगा, और उन्हें दीक्षा लेने का भाव जागृत होता है। बड़े भाई खुशाल भाई का इन्हीं दिनों विवाह होता है और कांजी के रिश्ते की चर्चा होती है, जिसके संसार का किनारा अब निकट है और जो थोड़े ही भव में मुक्ति कामनी को वरने वाले हैं, ऐसे कांजी के लिए बड़े लखपति घर की कन्या का प्रस्ताव आता है। इसलिए खुशाल भाई दुकान पर आते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारी सगाई करनी है, तैयार रहना। तुरंत ही राग के प्रभाव में खींचे बिना आत्मविश्वास से कांजी कह देते हैं, बड़े भैया मेरा नाम ना लेना, मेरा तो आजन्म ब्रह्मचर्य है और मेरी भावना दीक्षा लेने की है। उनकी उच्च लोकोत्तर भावना को कामिनी का माधुर्य परास्त नहीं कर सका और वे किसी भी कीमत पर अपने जीवन में स्त्री को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुए। इस प्रकार वैराग्यमय उदासीन रस से भीगे हुए कांजी विवाह के लिए स्पष्ट शब्दों में साफ साफ मना कर देते हैं। उनके एकमात्र बड़े के रूप में बड़े भाई खुशाल भाई ही हैं और उनका कांजी पर बहुत प्रेम है, इसलिए वे उन्हें दीक्षा ना लेने के लिए समझाने हेतु प्रेम से कहते हैं, भाई अगर तुम्हें विवाह नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, और दुकान पर ना बैठना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु दीक्षा मत लो, तुम उमराला में अपने घर में निवृत्ति से रहो, जो भी खर्चा लगेगा हम भेज देंगे, परंतु दीक्षा मत लो। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी उन महात्मा के वैराग्य से भीगे मन को दुकान में घर में या संसार में रहना नहीं भाया तो नहीं भाया। अन्य सभी प्रियजन भी दीक्षा ना लेने के लिए समझाते हैं, परंतु वे अपनी भावना में अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। वे सभी को एक ही उत्तर देते हैं, भाई आप कुछ भी कहो, परंतु मुझे तो मेरी आत्मा का हित करना ही है, निज कल्याण हेतु धर्म साधना करने के लिए मुझे दीक्षा लेनी ही है। विक्रम संवत 1968 यानी सन 1912 के वैशाख माह में एक दिन 22 वर्षीय युवा कांजी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। बहुत समय से उन्हें कुटुंब तथा धंधे व्यापार में अंश मात्र रस रहा नहीं है, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर प्रथम अभ्यास के लिए और बाद में दीक्षा लेने के लिए दुकान छोड़ते हैं। वे सोचते हैं, ये भव का अभाव करने के लिए मिला है, इसलिए अब शीघ्र ही गुरु के पास जाकर अध्ययन करना है और फिर दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना है। अंतरंग में संसार और भोगों से विरक्ति बढ़ती जाती है, परंतु दीक्षा लेने के लिए कोई आत्मार्थी गुरु तो चाहिए ना, अतः योग्य गुरु की खोज प्रारंभ होती है। वे काठियावाड़, गुजरात और मारवाड़ के अनेक गांवों में घूमते हैं, अनेक साधुओं से मिलते हैं, परंतु कहीं मन को संतोष नहीं होता। सत्य बात तो यह है कि पूर्व भव की अधूरी रही हुई साधना से अवतरित ये महात्मा स्वयं ही गुरु होने योग्य है। अंततः बोटाद संप्रदाय के हीरा चंद जी महाराज का चुनाव होता है। वे एकदम सरल, वैरागी, निष्प्रह और शांत प्रकृति के भद्र परिणामी साधु हैं। संप्रदाय की क्रियाओं को दृढ़ता पूर्वक पालते हैं और मंद कषायी हैं, अतः यहां मन को संतोष होता है और उनसे दीक्षा लेने का तय होता है। दीक्षा लेने के पूर्व खस गांव में वे ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा देने के लिए गुरु से निवेदन करते हैं। गुरु अन्य शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, ये मोतीचंद सेठ का लड़का ब्रह्मचर्य लेना चाहता है, परंतु इसने बड़े भाई से आज्ञा नहीं ली है। तब कांजी कहते हैं, महाराज मैं स्वतंत्र हूं, मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः आप निसंकोच होकर प्रतिज्ञा दें। इस प्रकार आत्मविश्वास पूर्वक होनहार महात्मा संसार का बंधन अच्छा नहीं लगने से कुमार वय में भरी सभा में ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वे पाले छोड़ते हैं और गुरु के पास जाकर अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पालियाद में 3 माह रहकर अध्ययन करते हैं।
इन दिनों षटगुणी हानि वृद्धि के बोल सीखते हैं। इसके पश्चात पालेज में रहने वाले रिश्तेदारों से दीक्षा की अनुमति लेने के लिए पालियात से पालेज प्रस्थान करते हैं। मार्ग में बोटाद रुकना पड़ता है। वहाँ गुलाब चंद जी नामक साधु मिलते हैं। उनके साथ चर्चा होने पर वे कहते हैं, साधु के रहने के उद्देश्य से बनाए गए मकान में साधु को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि इससे अनुमोदना की कोटि भंग होती है और एक कोटि टूटने पर सभी नव कोटि टूटती हैं। चिंतन करने पर उन्हें ये बात तो सत्य मालूम पड़ती है कि साधुओं के लिए निर्मित मकान में अर्थात उपाश्रय में साधुओं को नहीं रहना चाहिए। फिर ये सब क्या हो रहा है? सभी साधु तो उपाश्रय में ही रहते हैं। मैं भी साधु होने के बाद उसमें ही रहने वाला हूं। यदि मैं उसमें रहूंगा तो अनुमोदना की कोटि टूटेगी और एक कोटि टूटेगी तो सभी कोटि टूटेगी, अखंड रहेगी नहीं। ऐसा सोचते हुए ऐसी इच्छा हो गई कि थोड़े समय के लिए दीक्षा लेना स्थगित करूं, परंतु तुरंत ही दूसरा विचार आता है कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर विक्रम संवत 1969 यानी सन 1913 में राणपुर में गुरु से पूछते हैं, महाराज यदि साधु उपाश्रय में ठहरते हैं तो कौन सी कोटि टूटती है? गुरु को मालूम था कि ये दीक्षा लेने वाला है, अतः प्रेम से समझाते हुए कहते हैं, खुशाल भाई तुम्हारे लिए मकान बनाएं और तुम उसमें रहो तो क्या आपत्ति है? उन्हें ये उत्तर ठीक नहीं लगता और उससे मन में संतोष भी नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार उपाश्रय में रहने से तो अनुमोदना होती है और अनुमोदना की एक कोटि टूटने पर सभी कोटि टूटती हैं। अतः 8 महीने तो इसी उहापोह में निकालते हैं कि क्या करना है, दीक्षा लेनी है या नहीं। मैंने दीक्षा लेने का निर्णय तो किया है, परंतु जिस पंथ में मुझे दीक्षा लेना है उसमें यदि मेरी शंकाओं का समाधान ना हो तो सत्य कहां से मिलेगा? इस प्रकार विचार मंथन खूब चलता है, लेकिन बाद में विचार आता है कि चलो दुकान तो छोड़ी है और साथ में ब्रह्मचर्य भी लिया है, अतः दीक्षा तो ले लें, परंतु सत्य तो स्वयं को ही खोजना पड़ेगा। ऐसा विचार करके कांजी सबकी अनुमति लेने के लिए पालेज जाते हैं और वहां से उमराला आते हैं। विक्रम संवत 1970 में मत्स्य कृष्णा अमावस्या को उमराला में रघुनाथ सेठ की दुकान पर निश्चित होता है कि मत्स्य शुक्ल नवमी रविवार को दीक्षा विधि होगी। जिसकी बहुत दिनों से इच्छा थी वो दीक्षा लेने की भावना आज अनुमति मिलने पर फलीभूत होती है।